फेसबुक सेटिंग्स। फेसबुक सेटिंग्स आपको अपने फेसबुक अकाउंट के कई फीचर्स को मैनेज करने की इजाजत देती है। इसमें आपके खाते की सुरक्षा के विकल्प भी हैं, जिनसे आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि कौन इस तक पहुंच सकता है, कौन आपकी पोस्ट समेत फेसबुक अकाउंट के विभिन्न तत्वों को देख सकता है। क्विक हेल्प बटन के पास आपको तीर का निशान दिखेगा, इस पर क्लिक करें और फिर सेटिंग्स विकल्प पर जाएं। जनरल अकाउंट सेटिंग्स विंडो खुल जाएगा। इस विंडो के दाईं ओर आप अपने फेसबुक अकाउंट प्रबंधन से संबंधित कुछ विकल्प देखेंगे। जनरल सेटिंग्स पहला विकल्प है जनरल सेटिंग्स का। ये विकल्प आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर नाम दिखाता है। यदि आप अपना नाम बदलना चाहते हैं तो एडिट बटन पर क्लिक करें। फर्स्ट, मिडिल और लास्ट बॉक्स में नए नाम टाइप करें। यदि आप दूसरे नाम जोड़ना चाहते हैं तो ऐड अदर नेम बटन पर क्लिक करें। आपका नया प्रोफाइल विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में आप अबाउट यू नामक सेक्शन देख सकते हैं, जिसमें आपको अदर नेम्स नाम का सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन में पहला विकल्प है नेम टाइप। यहां नजर आ रहे तीर या एरो पर क्लिक करें, नाम का प्रकार चुनें और फिर दिए गए बॉक्स में अपने इच्छानुसार नाम टाइप करें। नाम में किए गए बदलाव को सेव करने से पहले ही नीचे जाकर आप ये देख सकते हैं कि आपके फेसबुक नेम पर ये नाम किस तरह प्रदर्शित होगा। बदले हुए नाम को सुरक्षित करने के लिए सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करें। अब आपके प्रोफाइल पेज पर लोगों को आपका नाम इस तरह नजर आएगा। जनरल अकाउंट सेटिंग्स में आप दूसरा विकल्प देखेंगे, यूजर नेम। इस विकल्प के साथ आपको फेसबुक से एक यूनिक यूजर नेम मिलेगा, जिसका उपयोग सिर्फ आप ही कर पाएंगे। यूनिक यूजर नेम पाने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें और दिए गए बॉक्स में अपनी इच्छानुसार यूजर नेम टाइप करें। अगर कोई फेसबुक खाता धारक उस यूजर नेम का उपयोग नहीं कर रहा होगा तो आपको संदेश दिखाई देगा कि यूजर नेम इज अवेलेबल, यानी यूजर नेम उपलब्ध है। सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करें और आपको अपने फेसबुक अकाउंट के लिए ये यूजर नेम मिल जाएगा। यदि आप ये यूजर नेम लोगों को बताते हैं तो फेसबुक पर आपको आसानी से ढूंढ सकेंगे। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट विकल्प भी देख सकते हैं। इसमें प्राइमरी कॉन्टैक्ट एक ऐसा विकल्प दर्शाया गया है जो आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर को प्राइमरी कॉन्टैक्ट के रूप में प्रदर्शित करता है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट में फेसबुक आपसे संपर्क करता है। आपके फेसबुक अकाउंट की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए फेसबुक इसी विकल्प का उपयोग करके आपसे संपर्क साधता है। यदि आप अपने खाते में संपर्क की कोई नई जानकारी जोड़ना चाहते हैं तो प्राइमरी के पास मौजूद एडिट बटन पर क्लिक करें और आपको प्राइमरी कॉन्टैक्ट के ठीक नीचे एड अनदर ईमेल और मोबाइल नंबर का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही ऐड अनदर ईमेल विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में अगर आप ईमेल आईडी टाइप करना चाहते हो तो न्यू ईमेल टैब के सामने मौजूद बॉक्स में अपनी नई ईमेल आईडी टाइप करें। यदि आप अपना मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं तो ऐड योर फोन नंबर लिंक पर क्लिक करें। कन्फर्म योर फोन नंबर विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में पहला विकल्प होगा आपके देश का कोड चुनना। कंट्री कोड के सामने मौजूद लिस्ट में से भारत का कोड चुनें। फिर फोन नंबर टैब के सामने दिए गए बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें। फेसबुक आपके नए फोन नंबर को सत्यापित करेगा। इसके लिए फेसबुक कंफर्म नंबर बाय विंडो में सेंड मी अ टेक्स्ट नाम का एक विकल्प देगा। यानी फेसबुक आपके नए मोबाइल नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजेगा। मैसेज प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। मैसेज प्राप्त होने के बाद आप अपने फेसबुक अकाउंट में नंबर कन्फर्म्ड जैसे मैसेज देती विंडो देखेंगे। नंबर कन्फर्म करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद
आपका ईमेल आईडी ऐड करने के लिए एक ऐसा विंडो दिखाई देगा। इसमें न्यू ईमेल के सामने इनपुट बॉक्स में आपका ईमेल आईडी इनपुट करें और ऐड बटन पर क्लिक करें, जिसमें नया ईमेल आईडी जोड़ने के लिए आपको अपना फेसबुक पासवर्ड देना होगा। प्लीज री एंटर योर पासवर्ड नाम का नया विंडो दिखाई देगा, जिसमें नया ईमेल आईडी जोड़ने के लिए आपसे फिर से पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड टाइप करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपके फेसबुक अकाउंट में इस ईमेल आईडी को कॉन्टैक्ट के तौर पर जोड़ने के लिए फेसबुक आपके नए ईमेल एड्रेस पर एक लिंक भेजेगा। ईमेल खोलकर इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका नया ईमेल आईडी आपके फेसबुक कॉन्टैक्ट में जोड़ दिया जाएगा। जनरल अकाउंट सेटिंग्स में उपलब्ध आखिरी विकल्प है मैनेज अकाउंट। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको योर लेगेसी कॉन्टैक्ट नाम का विकल्प दिखाई देगा। यहां उस व्यक्ति की संपर्क जानकारी होती है जो फेसबुक अकाउंट होल्डर निधन के बाद किसी भी स्थिति में अपने फेसबुक अकाउंट का व्यवस्थापन कर सकता है और उसे जारी रख सकता है। यदि आप ऐसे किसी संपर्क को जोड़ना चाहते हैं तो चूज फ्रेंड बॉक्स में उसका नाम टाइप करें और नाम के आगे ऐड बटन पर क्लिक करें। तत्काल एक विंडो खुलेगा जिसमें लिखा होगा मैसेज, उस व्यक्ति का नाम, अबाउट बीइंग योर लेगेसी कॉन्टैक्ट, यानी आपने जिस दोस्त को विरासत के लिए चुना है उसे मैसेज भेजें। आपके सेंड बटन पर क्लिक करते ही दोस्त को ये मैसेज चला जाएगा और मैसेज सेंट ये विंडो प्रदर्शित होगा। सेटिंग्स विंडो पर वापस जाने के लिए ओके पर क्लिक करें। इस विकल्प के नीचे आपको अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के लिए दूसरा विकल्प मिल सकता है, जो है डीएक्टिवेट योर अकाउंट। आपके खाते को डीएक्टिवेट या निष्क्रिय करने के लिए इस नीले टेक्स्ट लिंक पर क्लिक करें। आप हर हाल में अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए फेसबुक आपका अकाउंट पासवर्ड मांगेगा। आपको दिए गए बॉक्स में अपना पासवर्ड टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। आपका फेसबुक अकाउंट निष्क्रिय या डीएक्टिवेट हो जाएगा।